मैं रामपुरा गांव का सरपंच पद का उम्मीदवार हूं और गांव में एक अच्छी सोच लेकर चला हूं। गांव के लिए ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा और जो गांव को बिल्कुल कूड़ा रहित करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले बार में 22 प्रेसिडेंट रह चुका हूं, मैंने उसमें वहां भी अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य किया था। गाँव की समस्याओं को सबसे पहले तो मैं गाँव को कूड़ा रहित करने की कोशिश करूँगा कि गाँव में कोई कूड़ा नहीं हो और गाँव की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरा ध्यान रखूँगा। गाँव की जो पानी की समस्या है उसको समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और अपने पूरे जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मेरा चुनाव निशान है हैंडपंप का निशान है और मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि सभी मेरा साथ दें। रैली के लिए मेरा दिन का ऐसे निशान भी कर लो रैली के गाँव की। मैं सभी को इस बात जागरूक करना चाहता हूँ कि कोई भी लोग शराब और लालच में आकर वोट ना करें, अपने मत का प्रयोग अपने दिल से करें, सच्चाई से ही और ईमानदारी से करें। यही मेरा सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को जो वो गाँव के लिए उसका साथ और जरूर सुने एक बार। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सत्य कभी सारा नहीं लेंगे, सच्चाई से लड़ रहे, झूठ का सारा कभी नहीं लेंगे। एक बार जिता के देखो और फिर राकेश यादव का काम देखो। ठीक।